एक नया अलंकार, गायकी के लिए, रियाज के लिए एक नया अलंकार आज मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे ही रियाज करते करते दिमाग में आया था कि इस प्रकार से अगर इस अलंकार को गाया जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है वो नया अलंकार और कैसे आप उसका रियाज कर सकते हैं। छोटी सी मैं आपको उसकी ग्लिम्प्स देता हूँ। सरे रे सरे ग रे ग म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा सा नि सा रे रे सा सरे ग रे रे ग म ग ग म प म म प ध प प ध नि ध ध नि सा नि नि सा रे सा सरे ग म ग रे रे ग म प म ग ग म प ध प म म प ध नि ध प प ध नि सा नि ध। तो इस प्रकार से पूरा जो अलंकार है ये एक 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 करके इसमें दर्जे बढ़ते जाएंगे और विस्तार होता जाएगा। तो अगर इसे आपको सीखना है तो पूरा वीडियो देखिए और कॉपी पेन ले लीजिए और लिखिए मेरे साथ में ये अलंकार। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। अगर आपको सीखना है क्लासिकल म्यूजिक या फिर कर्नाटक म्यूजिक या फिर वेस्टर्न म्यूजिक या फिर फिल्मी गाने तो अभी डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तानपुरा आपको इसमें मिलता है, आपका स्वर मीटर आपको मिल जाता है, आपकी रेंज कितनी है वो मालूम चल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन से अच्छे अच्छे टीचर्स आपको इसमें सिखा रहे हैं। तो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रहने की लाज़त क्या जानो, जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जानो। अभी अभी जो छोटी सी एक पेशकश मैंने करी गज़ल की, वो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की गज़ल है, उन्हीं की बनाई हुई और उन्हीं की कंपोजिशन है, ये लिखी हुई ये आले रज़ा साहब की है। तो भवन खुखावत जी मेरे साथ तबले पर संगत कर रहे थे, आपने देखा अभी। तो छोटी सी एक पेशकश। आइए अब दोबारा बात करते हैं उसी अलंकार पर कि कैसे उसका हम रियाज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप पैटर्न समझ लीजिए कि जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो वही पूरे पेज में जा रहा है ना। एक लड़ है एक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अलंकार बेसिकली पैटर्न्स का नाम है ना, कि एक फिक्स्ड पैटर्न होता है वही पूरा 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 एक 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 उसमें चेंजेस होते होते फिर एक लड़ बनती है, तो पेज बनता है ना एक एक करके। जैसे फर्स्ट हुआ, फिर उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सब में एक ही पैटर्न होगा, बस थोड़ा थोड़ा इजाफा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते जाएंगे उसमें, है ना। तो वही इसमें भी बन रहा है। सीधी बात है, पहले सा लगाया हमने, सा इसे किसी भी थाट में किसी भी स्केल से कर लीजिए। मैं पहली सफ़ेद से बिलावल में अभी आपको इसको बता रहा हूँ, उसके बाद आपके ऊपर है आप इसे कहाँ से और कैसे रियाज करते हैं किस तरह से। तो करना क्या है, सा के बाद रे करना है और रे के बाद दोबारा सा आना है, है ना। ये पहली लड़ जाएगी और ऐसे ही आपको पहले ये सा से किया, फिर ये रे से करो, फिर ग से, म से, प से, ध से, नी से, सा से, है ना, यही काम। उसके बाद क्या करना है, एक एक स्वर आगे बढ़ा देना है, जैसे सारे ग, अब सारे ग रे, है ना, एक आगे बढ़ गया। फिर अगला जो पलटा बनेगा उसमें सारे ग म ग रे, फिर अगला पलटा बनेगा सारे ग म प म ग रे, फिर अगला पलटा बनेगा सारे ग म प ध प म ग रे, फिर अगला सारे ग म प ध नि ध प म ग रे, फिर अगला सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे। अब इसको करने के जो बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, वो क्या क्या हैं, देखिए एक तो है कि ये नॉर्मल अलंकार नहीं है, ये सप्तकों का अलंकार है, है ना। इसमें नीचे मंद्र में भी आपका जाएगा ये अलंकार और आपका तार में भी जाएगा, तो खरज और तार जो है दोनों इसमें कवर हो जाता है। तो एक ये बेनिफिट है, एक ये कि इसकी जो स्वरों को बोलने का जो तरीका है वो बड़ा ही टंग ट्विस्टर टाइप है, तो जो स्वर हैं उनको बोलने के लिए तेज सरगम जब हम बोलते हैं तो सारे गमा पदनी सा तो आ जाता है, लेकिन सारे सागर रेगा, सारे सागर रेगा ऐसा कुछ बोला तो वो एकदम जबान पे फंस जाता है। तो उसका स्पष्टता के लिए ये अलंकार आप गा सकते हैं, और अगर इसे आकार में गाएंगे तो वो दानेदार आपके हरकतें जो हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, है ना। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके, बहुत सारे अलंकार ऐसे मैं सिखा चुका हूँ जिनके लगभग यही फ़ायदे हैं, तो उसमें ज़्यादा हम वक्त नहीं देते हैं, आइए अलंकार को ही सीधा गाते हैं। तो पैटर्न कैसे शुरू हो रहा है, सा रे रे सा रे ग ग रे, है ना, सा रे रे सा, ये रिटर्न भी वापस आ जाना उसी सुर पे, फिर अगले से शुरू करना सा रे रे सा रे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा सा नि सा रे रे सा, दोबारा सा पर आ गए, ठीक है, सा पर एंड करना है उसको। फिर आप नीचे उतरेंगे तो सा नि नि सा नि ध ध नि ध प प ध प म म प म ग ग म ग रे रे ग
रे सा सा रे सा नी नी सा। तो पहले ही अलंकार में हमने एक तार का और एक मंद्र का स्वर ले लिया, यानी निषाद नीचे से लिया और ऋषभ ऊपर से लिया। अब इसका जब विस्तार करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो सा रे ग रे रे ग करने को, तो इसको सा रे ग ग रे सा रे ग म म ग रे ऐसा भी किया जा सकता है, जैसे सा रे रे सा रे ग ग रे ग म म ग ऐसे गए थे। तो अगर इसी पैटर्न को अगर कंटिन्यू रखें तो ऐसा बनेगा सा रे ग ग रे सा रे ग म म ग रे ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि नि ध प द नि सा सा नि द नि सा रे रे सा नि सा रे ग ग रे सा, है ना। जाने को तो ऐसा जाना चाहिए। और फिर चौथा जाएगा तो सा रे ग म म ग रे सा रे ग म प प म ग रे ग म प ध ध प म ग, है ना। जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे आ रहे हैं, आरोह अवरोह करते करते एक एक स्वर बढ़ाते जा रहे हैं। सा रे ग म म ग रे सा, अब यही रे से करा रे ग म प प म ग रे, फिर ग से किया ग म प ध प ध प म ग, है ना। और आगे बढ़ा लो तो सा रे ग म प प म ग रे सा रे ग म प ध ध प म ग रे। और मेरे ख्याल से तो इसे जब आप अलग अलग लयों में करोगे तो और अच्छा लगेगा, जैसे पहला वाला ठा में किया, दूसरा वाला दुगुन में किया, तीसरा तिगुन में किया, है ना। जैसे सा रे रे सा रे ग ग रे ग म म ग, ये एक लय चल रही है। फिर जो तीसरा है ना, जो सा रे ग ग रे सा, ये मैंने हल्की सी आड़ी कर दी लय, यानी थोड़ी तिगुनू हो गई। सा रे ग ग रे सा रे ग म म ग रे ग म प प म ग म प ध ध प म, है ना। फिर चौथा वाला किया तो चार गुण में सा रे ग म म ग रे सा रे ग म प प म ग रे ग म प ध ध प म ग। फिर पांचवा पंच गुण में सा रे ग म प प म ग रे सा रे ग म प ध ध प म ग रे ग म प ध नि नि ध प म ग म प ध नि सा सा नि ध प म, ये ऊपर जाएगा पूरा पांचवा जैसे ही जाएगा। अब इसका रियाज करने के लिए जाहिर है वो आप पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी रेंज है, उतने ही स्वरों में आप इसे गाइए। जरूरी नहीं है कि ये पूरा अलंकार गाना है आपको, है ना। जैसे आखिरी जो इसका बनेगा वो नी नी सा रे गा मा मा गा रे सा नी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा, यहाँ तक जाएगा सा नी दा पा मा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे रे गा मा पा दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी नी सा रे गा मा, है ना। ऐसे करते करते ये नीचे भी उतरेगा। तो एक तो ये है, है ना। वरना मैं जो दूसरा बताने वाला था वो क्या था, सा रे रे सा रे गा गा रे फिर सा रे ग रे रे ग म ग ग म प म म प ध प, इसमें एक झटका मिल रहा है, एक बल मिल रहा है, एक हरकत मिल रही है आपको। है ना। फिर आगे जाएंगे तो सा रे ग म ग रे रे ग म प म ग, पूरा नीचे ना आके रे तक ही जाएंगे तो उससे क्या होगा, ऋषभ से अगला हम पैटर्न बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेज आपको स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्वरांगिनी बुक आप हमारी अगर ख़रीद लेते हैं तो उसमें भी अलंकार सारे मिल जाएंगे, है ना। तो वहाँ लिखने की और देखने की तो कोई दिक्कत नहीं कि याद करना पड़ेगा आपको ये सब, या तो रियाज करोगे तो याद अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन इसकी तासीर समझ लो। और फिर सीधी बात है, अगर पैटर्न समझ में आ गया तो ऐसे खूब सारे अलंकार खुद ही बना लोगे आप, है ना। तो कैसे जा रहा है, देखने वाली बात यह है कि जो झटका और जो छंद मैं बना रहा हूँ असर उसी का है, है ना। अलंकार आप कितना ही मुश्किल कोई कर लो, लेकिन अगर उसमें वो लय की जो बांट है वो आपने बराबर नहीं रखी तो उसका कोई असर नहीं होता है, है ना। उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता अलंकार का। तो अलंकार का फ़ायदा अगर चाहिए तो उसकी लय, उसका छंद, उसकी बांट और उसमें जो दानेदार चीज़ें की झटके देने दे रहे हैं, जहां आपको कट देना है वहां दो, तो अपने आप पहला ही पेज बहुत है, है ना। पहला पेज ही इतना है, मतलब सारे गम पद नहीं सा नि धा प म ग रे सा सा रे ग ग म म, है ना। सारे ग रे ग म ग म प, ये जो बेसिक सात अलंकार होते हैं ना, यही इतने फायदेमंद हैं, इनके अलावा कोई दूसरा आपको रियाज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने वो छंद और वो बांट और उसके हिसाब से रियाज किया है तो, है ना। कैसा जा रहा है ये, आप देख रहे हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो एक बल दे रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ तो एक बल दे रहा हूँ। है ना।
है ना, एक एक झटका जा रहा है। सरे गा मा पा धा बा मा गा रे गा मा पा धा नी धा बा मा गा गा मा पा धा नी धा नी धा बा मा, है ना। ऐसे ऐसे जब यहाँ से जा रहे हो तो एक झटका, वहाँ से आ रहे हो तो एक झटका। तो ये चीज़ें हैं, इसका प्रैक्टिस कीजिए और देखिए फिर गला आपका कैसा मजबूत हो जाता है और अलग अलग दानेदार चीज़ें आपके गले में आएंगी। ठीक है, तो देखते रहें ऐसे ही। और कुछ एडवांस रियाज एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे अलंकार सिखाए हैं, तो उनको उसको भी देखिए और बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, देखते रहें इसी तरह संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।